पीछे एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई, आपको बता देते हैं नुहू से बड़ी खबर। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आपको बता रहे हैं कि बड़ी जानकारी है, दर्दनाक हादसा हुआ है, अनियंत्रित डंपर की चपेट में आए कई वाहन। तो अनियंत्रित डंपर की चपेट में कई वाहन आ गए हैं। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी भी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला। तो नुहू से बड़ी खबर, अनियंत्रित डंपर की चपेट में आए कई वाहन। डंपर की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए तस्वीर सामने आ गई है, फिलहाल डंपर मौके पर ही मौजूद है। तो बड़ी जानकारी नुहू से, आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का जो कहर है वो एक बार फिर से देखने को मिला है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए टायर भी यहां पर फट चुके हैं, हादसा भयानक बताया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा हादसा देखने को मिला, दो लोगों की मौत, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कासिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिम, जिस तरीके से ये हादसा यहां पर हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें बयान कर रही हैं, परिस्थिति किस तरीके की रही? देखिए प्रदुमन, जहां तक तस्वीरों की बात करें तो आज एक जो डंपर है वो पत्थर का मटेरियल भर करके गुड़गांव की तरफ जा रहा था जी। ऐसा आरोप है कि पुलिस की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी और उसने गोली मारी। गोली लगने की वजह से उसका टायर फटा और टायर फटने की वजह से डंपर अनियंत्रित हो गया। और डंपर के अनियंत्रित होने के बाद उसने अपने दो वाहनों को चपेट में ले लिया, जिसमें एक बस और एक ट्रैक्टर शामिल है। इस हादसे में दो लोगों की जान जा चुकी है और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 को दिल्ली ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। 10 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज नलड़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे की खबर लगने के बाद भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। स्थानीय विधायक आफताब अहमद, जननायक जनता पार्टी के नेता तैयब हुसैन घाटेड़िया सहित बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। बार एसोसिएशन से जुड़े कुछ अधिवक्ताओं ने वहां पर जाम लगा दिया और महिलाओं और बच्चों की भी संख्या अच्छी खासी थी। जैसे ही जाम की सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को लगी तो एसडीएम मनीषा शर्मा पुनाना और शमशेर सिंह डीएसपी पुनाना घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने जाम लगा रहे लोगों से बातचीत की। अब इस बात पर सहमति बन गई है कि जो मृतक हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो घायल हैं उनका उपचार भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा और उनको भी मदद पहुंचाई जाएगी। डीसी रेट की दोनों परिवार मृतक के परिवारों को नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा जिन पुलिस कर्मियों की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके खिलाफ भी एक लिखित शिकायत दी जाएगी। उसके आधार पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। इसके बाद कुछ देर पहले ही जाम खोल दिया गया है और जो लोग हैं उनकी तरफ से एक लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन को दी जा रही है। तो उसके बाद देखना होगा कि कितने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मनमानी खुलकर इस मामले में सामने आई है। अगर शायद ये गोली टायर में नहीं लगती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। 14 लोगों में से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है और 10 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से सूचना यही मिल रही है कि कई लोगों के हाथ पैर तक कट गए। बिल्कुल, लेकिन जो चालक था इस ट्रक का, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है क्या? चालक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हादसे के बाद चालक फरार बताया जा रहा है। तुरंत लोगों को इस बात की सूचना मिली क्योंकि सलंबा गांव के मोड़ पर यह हादसा हुआ है, वहां पर आबादी नजदीक है। तो जैसे ही लोगों को इस बात की पता लगी तुरंत वहां पर जाम लगा दिया गया था और जाम लगने के बाद भारी भीड़ वहां पर हो गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लोगों को दिक्कत जाम की वजह से ना हो इसलिए रूट भी डाइवर्ट किए थे और तकरीबन 5 घंटे इस मुख्य मार्ग पर जाम रहा है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर सलंबा गांव पड़ता है जहां यह हादसा हुआ।